लुक एट दिस व्यू गाइस, प्यारा सा बंदर कुछ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज का ब्लॉग वाकई में अल्टीमेट होने वाला है, बिकॉज ऑफ गाइस मैं निकल गया हूँ घर से और मेरे जस्ट सामने आप देख सकते हैं ये रहा बंदर पूंछ। वाओ, व्हाट अ व्यू। सो गाइस, मैं आपको क्या कह रहा था कि अभी मैं देहरादून के लिए निकल रहा हूँ, आज स्टे करूंगा मसूरी में, और मैं क्या क्या आपको मसूरी में दिखा सकता हूँ आप ब्लॉग में बने रहें। और वापसी में गाइस आपके लिए एक सरप्राइज ये है कि अब मैं मोटो ब्लॉगिंग शुरू करने वाला हूँ और मैं मोटो ब्लॉगिंग का वहां से सेटअप लेके आऊंगा। सो गाइज, आप ब्लॉग में बने रहे, कंटिन्यू जुड़े रहे, वाकई में आपको बहुत ज्यादा मजा आने वाला है इसके बाद। और गाइज, अगर आपने अब भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें, क्योंकि अब आपको लेने हैं लाइफ के मजे। सो गाइज, ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट एंड लेट्स गो। मसूरी पहुंच गया हूं और अभी रास्ते में मैंने एक रेस्टोरेंट देखा है, स्नो व्यू रेस्टोरेंट। सो गाइस, अभी स्नो व्यू रेस्टोरेंट में थोड़ी देर बैठते हैं, मैं यहां से आपको एक व्यू दिखाता हूं। ऑसम व्यू, अल्टीमेट यार, मजेदार। कौन सा चौक है? पिक्चर पैलेस चौक पहुंच गए गाइस। अब यहाँ से हम लेंगे राइट। चलो, फाटक खुलवा लिया गया है और अब हम स्माल रोड यहाँ से स्टार्ट हो गया है। आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर इस प्रेजेंट टाइम पे अभी फिर भी 12 से 13 डिग्री टेम्परेचर होगा, यानी काफ़ी ठंडा है, लेकिन लोगों को यहाँ पर ठंडा नहीं लगता है। यहाँ पर आप डोमिनोज देख सकते हैं, मतलब काफ़ी कुछ है अगर आप यहाँ पर आते हैं। सो गाइस, अभी हम पहुँच गए हैं शहीद स्मृति स्थल और साथ में अपने अनिल भाई। बहुत अच्छी यहाँ पे जो है कलाकारी की गई है, मूर्तियाँ बना रखी है, आप देखिए। गाइस, अभी आ रखे हैं शहीद स्मृति स्थल पे, जो गोलीकांड हुआ था उत्तराखंड की, जब मांग चली थी उसके बारे में। यहाँ की ज़्यादा नॉलेज तो मुझे है नहीं, लेकिन मैं अपने साथ में लाया हूँ अपने अनिल भाई को, तो वो यहाँ के बारे में थोड़ा आपको बताएंगे। बस आप सुनिए अनिल भाई। हाँ, तो मैं ये बताना चाह रहा था कि ये जो है शहीद स्थल जो है, ये उत्तराखंड के शहीदों को नमन एक स्थल, मतलब स्थल बनाया गया है। और आपने तत्काल जब उत्तराखंड के राज्य के लिए आंदोलन की मांग हुई थी, तो उस टाइम मसूरी में जो मसूरी से लोग क्या कर रहे थे, इकट्ठा होकर के एक आंदोलन के लिए जा रहे थे, मतलब दिल्ली की ओर प्रस्थान कर रहे थे, तो तत्कालीन यूपी गवर्नमेंट में जो मुख्यमंत्री थे मुलायम सिंह यादव ने लोगों को मतलब गोली चलाने का आदेश दे दिया था। और इसमें कई लोग शहीद हुए थे, जिनमें से आप देख पा रहे होंगे हंसा धनाई हैं, बेलमती चौहान हो गई है ना, बलबीर सिंह नेगी हो गए, धनपत सिंह हो गए, ये लोग यहाँ पर क्या हुए, शहीद हो गए थे, है ना। और 2 सितंबर 1992 की जो घटना है, ये अपने आप में एक मतलब उत्तराखंड काले एक काला दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता है। बस सो गाइस, अब अंदर जाके देखते हैं जरा एक बार क्या क्या है। आप देख सकते हैं पुराने जमाने का मकान है और यहाँ पे हत्याकांड के आप देख सकते हो उस समय की तस्वीरें यहाँ पे रखी गई हैं कि उत्तराखंड का जब आंदोलन हुआ था, तो आप देख सकते हैं कि मतलब किस तरीके, ये देखिए यहाँ पे गोलीकांड हुआ था जो, और ये देखिए आप इधर इस तरीके से आंदोलन हुआ था, तो हम उसी जगह पे भी खड़े हैं। और ये आंदोलनकारी हैं मदन मोहन ममगाई जी और धनपत सिंह जी, जिनके आप बाहर स्टेच्यू देख पा रहे हैं, बेलमती चौहान जी और राय सिंह धनाय जी जो भी है, ये देखिए उस टाइम की भीड़ है जब रैली के लिए निकले थे, उत्तराखंड की मांग चली थी, शिवदेव सुमन जी।
बाहर निकलते हैं जरा। तो ये है बिल्कुल पहाड़ी स्टाइल में इसलिए बनाया गया है क्योंकि उत्तराखंड की धरोहर इसको माना जाता है, और इसी तरीके के मकान यहाँ पर देखने को मिलेंगे आपको गांव विलेज जगह विलेज वाले लोगों में। ये देखिए आप मसूरी में अभी, और ये देखिए अभी रोपवे में ऊपर जा रहे हैं लोग और हम भी रोपवे की सवारी करेंगे। और गाइज ये देखिए यहाँ से जो आपको व्यू दिख रहा है ना, वाओ बिल्कुल मतलब अल्टीमेट है। ये देखिए आप यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर एक स्कूल भी है काफ़ी अच्छी डिजाइनिंग में। क्या है स्कूल का नाम है? CGN हैम्पटन कोर्ट स्कूल CGM, और जो भी है नेट पे सर्च कर लेना आप। आप देख सकते हैं मसूरी का इवनिंग व्यू। तो गाइस जितना आपको अनिल भाई ने बताया और मैं अभी आपको जो लेके आया हूँ यहाँ पे स्मृति स्मारक जो यहाँ पर है, क्या है, शहीद स्मृति स्थल स्थल में। सो गाइस ये है उत्तराखंड का मसूरी का जहाँ पर गोलीकांड हुआ था, और आज ऐसे ही उत्तराखंड अपने में जाना नहीं जाता क्योंकि बहुत सारे बलिदान इसके लिए दिए गए हैं। सो गाइज़ आपको ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताएं, एंड थैंक यू सो मच, और मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में।